नाज़रीन, ये रोड है जो नमली मेरा की तरफ जा रही है। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन अच्छी है। हर तरह की गाड़ी इस रोड पे जा सकती है, और रास्ते में आपको इंतहाई खूबसूरत किस्म के मनाजर देखने को मिल रहे हैं। और ये सामने पहाड़ी है एक, और पहाड़ी के ऊपर लोगों ने तय दर तय घर बनाए हुए हैं, और ये एक बहुत ही खूबसूरत मंजर है। धूप निकल रही है, और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। बड़ा ही पुरसकून माहौल है यहाँ पर। नथिया गली से नमली मेरा जाते हुए ये हमारे टीम मेंबर, और ये हमारी लाल परी और काली परी, हमारी दोनों परियां जो हमें मुरीदके से यहां तक लेके आए हैं। नाजरीन, नथिया गली से नमली मेरा का फासला तकरीबन 8 किलोमीटर है। अगर आप लोग मरी की तरफ से आ रहे हैं तो नथिया गली बाजार से पहले दाएं हाथ एक बोर्ड नसब है, जिसके ऊपर मीरा जानी, नमली मेरा, गवर्नर हाउस वगैरह जाने के लिए निशानात और डायरेक्शन मौजूद हैं। और अगर आप एबटाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो ये बोर्ड आपको बाएं हाथ मिलेगा, वहां पर भी यहीं बकोट और गवर्नर हाउस, मीरा जानी और नमली मेरा जाने के तीर आवेजा हैं। नमली मेरा का 8 किलोमीटर का सारा ट्रैक दोनों जानिब से जंगलात में गिरा हुआ है। यहाँ सब्ज़ा कमाल तरह का सब्ज़ा है, और हर तरह के दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं। और आम तौर पर ये गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर हरियाली होती है, और यही मौसम होता है इस इलाके को विज़िट करने के लिए। मरी और गलियात में सबसे बड़ा मसला पार्किंग का है, प्राइवेट पार्किंग, और बहुत ज़्यादा दाम मांगे जाते हैं गाड़ी पार्क करने के लिए। तो लिहाजा जब भी आप लोग ऐसी जगहों पर गाड़ी पार्क करें तो पार्किंग वाले से पहले रेट तय कर लें कि वो कितने पैसे लेगा। नाज़रीन, ये है आपके सामने नमली मेरा आबशार। ये मरकज़ी आबशार है नमली मेरा की। आपको बताते चलें कि नमली मेरा गांव में दो आबशारे हैं। पहली आबशार जो नमली मेरा गांव पहुंचने के बाद आपको दाएं जाने 5 मिनट की हाइक के बाद ये मिलती है। ये एक रिज़ॉर्ट है, और ज़्यादातर लोग यहां पर ही आते हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर होटल्स हैं, खाने पीने का इंतज़ाम है, स्नैक्स पकौड़े वगैरह यहाँ पर बआसानी दस्तियाब होते हैं। दूसरी आबशार नीचे की जानिब है, जो 10 मिनट का ट्रैक करने के बाद वहां पर पहुंचा जाता है, और वहां पर मुश्किल है जाना, और फैमिलीज़ वगैरह वहां पर नहीं जाती हैं, वो सारे लोग यहां पर ही पिकनिक एंजॉय करते हैं।
जी पाकिस्तान टूरिस्टा के नाज़रीन, हम आपको नमली मेरा आबशार का ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं। ये देखें, ये आबशार, यहाँ से पानी ये नीचे गिर रहा है और वो सामने, यहाँ रिजॉर्ट वालों ने कुर्सियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बैठ रहे हैं। हफ्ते का दिन है, कह लें कि वीकेंड है, फैमिलीज भी आ रही हैं। और यहाँ पकौड़ों की एक शॉप है, अच्छे पकौड़े बनाता है आदमी, अभी हमने लेके खाए हैं। और ये है नमली मेरा, नथिया गली से 7 किलोमीटर के फासले पर वाके ये खूबसूरत तरीन फैमिली पिकनिक पॉइंट। अगर आप नथिया गली आते हैं तो हमारी ये सजेशन होगी, तजवीज़ होगी कि आप यहाँ नमली मेरा आबशार का विज़िट ज़रूर करें। ये आबशार के ऊपर आए तो ये रेस्टोरेंट के साथ साथ नाले के पानी को रोक के और छोटी छोटी कितनी सारी आबशारें बनाई गई हैं जो हमें यहाँ से नज़र आ रही हैं। ये हाजी शफीकुर रहमान साहब आपको इशारा करके बता रहे हैं कि ये आबशारें और भी हैं। चलें अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं और इन आबशारों का भी करीब से नज़ारा करते हैं। नमली मेरा के मुकाम पर हम मौजूद और ये नमली मेरा आबशार, ये देखें, जिस बात का हम अक्सर जिक्र करते हैं, जिस अंसर को देख के दिल दुखता है कि लोग आलूदगी ऐसे खूबसूरत मकामात पर ही फेंक जाते हैं। ये देखें, बोतल खाली पड़ी हुई है, एक वो टिन पैक पड़ा हुआ है और वो ग्लास पड़ा हुआ है कि लोग यहाँ पर ये बड़ी हुई चीज़ें तो ले आते हैं लेकिन खाली यहीं फेंक कर और इतनी खूबसूरत आबशार को
आलूदा और गंदा करके वापस चले जाती हैं। पांव स्लिप हो रहा है, आपको ऐसी जगह पर इंतहाई एहतियात से चलने की जरूरत है। ये देखें जी आबशार, उसके ऊपर फिर आबशार, फिर आबशार और फिर आबशार। और अभी हम मजीद आगे चलते हैं और हमें यकीन है कि आगे ऊपर मजीद आबशार होंगी, बहुत ही खूबसूरत। मौसम बहुत अच्छा है, बादल हुए हुए हैं। इससे ऊपर नाला है, मजीद हम ऊपर नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान टूरिस्टा के प्लेटफॉर्म से हम आपको नमली मेरा आबशार की सैर करवा रहे हैं। नहीं जी, हम अब नमली मेरा को खैराबाद कहने लगे हैं और अभी हम वापस निकलेंगे नथिया गली को।